12 years, मैं हूँ डॉक्टर आरती, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेकर, एक बहुत अच्छी घरेलू नुस्खा लेकर। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप अपना वजन कम करने की सोच रही हैं, PCOS अगर आपको है, PCOD भी कहते हैं वो अगर आपको है, और आपका वजन ज्यादा है और इंसुलिन रेसिस्टेंस होना आपकी बॉडी में शुरू हो गया है, जो कि इनिशियल स्टेज होता है जिसे हम प्री डायबिटीज भी कहते हैं, वो आप में होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ डायबिटीज अगर आपको है और हम टैबलेट लेने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं रहती, हमेशा लेवल्स उनके ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए और इसके साथ ही और भी कई सारी समस्याएं, जैसे महिलाओं में कमर दर्द की समस्या है, अगर मेनोपॉज स्टेज में आप हैं, सिम्टम दिखते हैं जैसे कि हॉट फ्लशेस होना, तलुओं में जलन होना, घबराहट महसूस होना, सडनली वजन बढ़ जाना, डल हो जाना, स्किन पर एकदम से डलनेस आ जाना, ग्लो जो चली जाती, कई सारे फायदे हैं इसके। यानी कि मैं ये कहूँगी आपको कि ऑल इन वन रेमेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये रेमेडी बनाना। इसके लिए मैं आपको सारी सामग्री बताऊंगी और ये कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, और इसको लेना कैसे है मैं वो बताऊंगी। सबसे अच्छी बात इस रेमेडी की ये है कि सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में ही अवेलेबल होते हैं, जो भी इस रेमेडी में हमको चाहिए। तो शुरू करते हैं एक वन बाई वन सारे इंग्रेडिएंट से। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छी मानी जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को के लिए। बात जब हो वेट लॉस की, आपने काफ़ी सुना होगा अजवाइन के पानी के बारे में। मैंने खुद एक वेट लॉस रेमेडी आप सबके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने अजवाइन को यूज़ किया था। इसके कई सारे फायदे होते हैं अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करती हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है जीरा। जीरा ओबेसिटी को कम करने के लिए बेस्ट माना जाता है। आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे कि जीरा का क्या उपयोग होता है वेट लॉस में, तो आपको हजारों ऐसे आर्टिकल, ऐसी रिसर्च मिल जाएंगी जो ये दावा करती है कि जीरे का रेगुलर यूज ओबेसिटी को कम करने में सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ जीरा। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है मेथी। मेथी गुणों का खजाना है, यानी कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। इसको आप अगर रेगुलर यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई समस्या नहीं भी है और आप मेथी का सेवन करते हैं, तो मेथी बहुत अच्छी होती है ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेथी। ये आपकी PCOD की समस्या के लिए, ओबेसिटी की समस्या के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी होगी। इसके बाद में अगला इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी। कलौंजी भी बिल्कुल मेथी की तरह ही गुड़ों का खजाना होती है। फिर चाहे हम बात करें हार्मोनल बैलेंस की, हम बात करें कोलेस्ट्रॉल कम करने की, वेट लूज की यानी मोटापा घटाने की, डायबिटीज बैलेंस करने की, जो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको कम करने की, जॉइंट पेन की, और सिर रिलेटेड और भी कई जितनी भी समस्याएं हैं सभी के लिए कलौंजी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है करी पत्ता। इसे मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। ये मीठी नीम या करी पत्ता की फ्रेश लीव्स हैं, लेकिन आपको चाहिए सूखी पत्तियाँ। तो इसके लिए आपको जो फ्रेश लीव्स होती हैं उनको बहुत अच्छी तरह से धोकर और उनको सुखाकर, बिल्कुल एकदम सुखाना है बहुत अच्छे से, ताकि उनका, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है, तो ये मैंने सुखा कर रखी हुई है। मैं हमेशा अपने पास मीठी नीम की पत्तियाँ सुखा कर रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। इनके कई सारे फायदे होते हैं, फिर चाहे बालों की बात हो, चाहे फिर आपके फेस की बात हो, या फिर ओवरऑल आपकी वेलबींग की बात हो, हर समस्या के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको यहाँ चाहिए सूखी नीम की पत्तियाँ, जिनका कि हम पाउडर बनाने वाले हैं। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो मैं शामिल कर रही हूँ इस रेमेडी में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और वो है दालचीनी का पाउडर। यहाँ पर मैंने खड़ी दालचीनी ली थी और मैंने घर पर ही ये पाउडर बनाया है, और मैं आपको भी सलाह दूंगी कि आप ही पाउडर लेने के बजाय जो दालचीनी की छाल आती है, सिनेमम बार्क आती है, उसे लेकर घर में सुखाकर और फिर उसका बड़ी आसानी से इसका पाउडर बन जाता है ब्लेंडर में या मिक्सर में, तो वो बनाएं। इसका जो सिनेमल्डिहाइड होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है PCOD के लिए, वेट लॉस करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो उसे कम करता है, और साथ ही कई सारे फायदे होते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको तवे पर या किसी कढ़ाई में सेकना है, और सेकने के लिए आपको
इनको अलग अलग सेकना है, और सबसे पहले आपको मेथी को सेकना है अलग से, मिलाए नहीं, क्योंकि मेथी को सिकने में ज़्यादा टाइम लगता है, और कलौंजी, अजवाइन और जीरा जल्दी सिक जाते हैं। दालचीनी को नहीं सेकना है, और करी पत्ता का जो है वो नहीं सेकना है। यहाँ मेथी को आपको अलग से सेकना है, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मेथी सिकने में ज़्यादा टाइम लेती है। इसके बाद आप भले ही कलौंजी, जीरा और अजवाइन साथ में सेक सकते हैं, ये आसानी से साथ में सिक जाएंगी। तो बिल्कुल हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, इतना ही सेके कि बस सुगंध आने लगे, और इसके बाद जब ये तवे पर सिक जाए तो इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर मिक्सर में उनका पाउडर बनाना है। इसमें आप चाहे तो अलग अलग पीस सकते हैं, और चाहे तो साथ में पीस कर पाउडर बना लें। इसमें करी पत्ता भी मिला लें, करी पत्ता ध्यान रखें अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका पाउडर नहीं बनेगा। जब आप इनको मिक्सर में पीसेंगे तो बहुत अच्छा एक पाउडर बन जाएगा। यहाँ पर मैं क्वांटिटी के बारे में बताना भूल गई हूँ, तो आपको यहाँ पर जो क्वांटिटी, ये पाउडर है तो इस तरह का पाउडर बनता है। हाँ, मैं क्वांटिटी की बात कर रही थी, तो यहाँ पर आपको मेथी की क्वांटिटी लेनी है 100 ग्राम, और बाकी जो अदर इंग्रेडिएंट है वो लेनी है आपको 50 ग्राम, और दालचीनी आपको लेनी है लगभग 20 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको आप नापे कैसे या अंदाज कैसे पड़ेगा, तो इसके लिए जो पैकेट्स आते हैं, पैकेट्स में क्वांटिटी लिखी होती है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, तो पैकेट्स से भी आप नाप सकते हैं। यार मैंने जो लिए थे वो 100-100 ग्राम के पैकेट्स थे। 100 ग्राम पूरी मैंने मेथी ले ली, और इसके बाद 50-50 ग्राम मैंने अजवाइन, कलौंजी और जीरा लिया, और इसके बाद जो सिनेमम होती है, सिनेमम आपको इसमें डालनी है सिर्फ 20 ग्राम, और जो कड़ी पत्ता होता है उसका आप पाउडर बना लें, और उसका भी आपको इसमें 50 ग्राम लेना है। यानी कि एक बार फिर से सुने, मेथी आपको लेनी है 100 ग्राम, और इसके बाद बाकी जो अदर इंग्रेडिएंट लेने हैं 50 ग्राम, और दालचीनी आपको लेनी है 20 ग्राम। अब मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ जूस, ये है इस पाउडर को लेने की विधि। साधारण तरीके से नहीं लेना है, यहाँ पर आपको ये जो मैं एलोवेरा जूस है दिखा रही हूँ आपको, और जो जामुन का सिरका जामुन है बेसिकली, तो ये जामुन का जूस और एलोवेरा का जूस है, इन दोनों जूस के साथ आपको वो पाउडर लेना है। इसके लिए लगभग 2 बड़ी चम्मच आपको एलोवेरा जूस लेना है, और 2 बड़ी चम्मच जामुन का ये रस लेना है। दोनों पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। तो ये दोनों आपको गर्म पानी में, लगभग 1 गिलास गर्म पानी में अगर आप मिला सकती हैं, या उससे कम में तो मिला लें, जितनी मैंने मात्रा बताई, 2-2 बड़ी चम्मच, 2 बड़ी चम्मच एलोवेरा जूस, 2 बड़ी चम्मच जामुन का जूस, और इसके बाद 1 चम्मच इस पाउडर को लें, और इसको सुबह खाने के पहले, यानी खाना आप जब खाएं उसके 1 घंटा पहले इसको 1 चम्मच आपको लेना है, और रात को खाने के बाद 1 चम्मच आपको लेना है। याद रखिए सिर्फ 1 चम्मच ही आपको लेना है एलोवेरा जूस और जामुन के जूस के साथ। अगर जामुन का जूस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एलोवेरा जूस बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है, आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी मिला सकती हैं। तो ये देखिए आपकी रेमेडी तैयार है। इसके साथ ही रेगुलर डेली 40 मिनट या 1 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। जरूरी नहीं है कि 1 घंटे लगकर आपको एक्सरसाइज करनी है, बस 30 मिनट अपने लिए निकालिए, 30 मिनट सुबह कीजिए, 30 मिनट शाम को कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है, बहुत बड़ी एक मेडिसिन होती है कई सारी बीमारियों के लिए, स्पेशली जो हॉर्मोन्स से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, चाहे फिर वो वेट गेन हो, PCOS की समस्या हो, या फिर डायबिटीज हो, थायराइड हो, या कोई और भी समस्या हो, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो, सब में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप एक्सरसाइज करना जरूर शुरू कीजिए, अगर आप चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी आपको फ़ायदा हो, बहुत सारा फ़ायदा हो, एकदम जल्दी से आप हेल्दी हो जाएं, तो इसे लेना बिल्कुल शुरू कीजिए जल्द से जल्द इस मेडिसिन को, और साथ में एक्सरसाइज कीजिए और एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं और कई सारे वीडियो लेकर आऊँ, कई सारे अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। देखते रहिए और साथ ही उन्हें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए कि किस तरह से वो भी ये वीडियो देखकर फ़ायदा ले सकते हैं और ये सारी रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।